पुर्तगाल घाजी तुर्की साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योद्धा और नेता थे। यह कहानी 13वीं सदी की है, जब तुर्की के ओघुज तुर्कों के काई कबीले के नेता अर्तुगरल ने अपने लोगों के लिए नई भूमि और एक स्वतंत्र राज्य का सपना देखा। उनकी बहादुरी, न्यायप्रियता और नेतृत्व के कारण उन्हें घाजी की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ होता है धर्म के योद्धा। प्रारंभिक जीवन और काई कबीला अर्तुगरल सुल्तान सुलेमान शाह के पुत्र थे, जो काई कबीले के नेता थे। काई तुर्की में एक खानाबदोश कबीला था, जो मंगोल आक्रमणों और कठिन परिस्थितियों के चलते अपनी भूमि छोड़ने पर मजबूर हो गया था। जब अर्तुगरल के पिता की मृत्यु हुई तो अर्तुगरल ने कबीले की बागडोर संभाली। नई भूमि की तलाश, काई कबीला मंगोल और अन्य दुश्मनों के कारण सुरक्षित जगह की तलाश में था। अर्तुगरल ने कई युद्ध लड़े और कबीले को सुरक्षित और उपजाऊ भूमि पर बसाने की कोशिश की। इसी दौरान उनका सामना सेल्जूक साम्राज्य से हुआ और उनकी बहादुरी के कारण उन्हें सेल्जूक सुल्तान से समर्थन मिला। रोम और मंगोलों से संघर्ष, अर्तुगरल ने क्रूसेडर और मंगोलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने न्याय और ईमानदारी के साथ अपने दुश्मनों का सामना किया। उनके नेतृत्व में काई कबीला समृद्ध हुआ और उसके लोग खुशहाल जीवन बिताने लगे। उनकी नीतियों और समझौता क्षमता के कारण वे अपने दुश्मनों के बीच सम्मानित योद्धा के रूप में पहचाने जाने लगे। उस्मान का जन्म और एक साम्राज्य की नींव। अर्तुगरल घाजी के पुत्र उस्मान ने आगे चलकर उस्मानी यानी ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की, जो 600 वर्षों तक चला। अर्तुगरल की शिक्षाओं और उनके जीवन की घटनाओं ने उस्मान पर गहरा प्रभाव डाला। कहा जाता है कि अर्तुगरल के जीवन का हर पहलू उस्मान को सिखाने और प्रेरित करने के उद्देश्य से था, ताकि एक महान साम्राज्य का निर्माण हो सके। अर्तुगरल घाजी की कहानी हमें न्याय, बहादुरी और ईमानदारी का संदेश देती है।